और सबसे ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं मध्य प्रदेश में। कहेंगे मैं तो आपका मामा हूँ, कैसे मामा है? दूसरी जगह जाएंगे कहेंगे मैं तो किसान का बेटा हूँ। कैसे किसान के बेटे हैं जब आप किसान के पेट में तो मारते हैं लात और छाती पे मारते हैं गोली और आप कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ। ये है शिवराज सिंह। तो ये तस्वीर आप सबके सामने, ये तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी को दिखा दीजिए, बोलिए तस्वीर देख लीजिए, देश की प्रदेश की सच्चाई का पहचानिए, सच्चाई का साथ दीजिए। मैं तो यही विनती करना चाहता हूँ आपसे, सच्चाई का साथ दीजिए। हमारा छिंदवाड़ा जिला देखिए, हमारा देश देखिए, हमारा प्रदेश देखिए, सच्चाई का साथ दीजिए। हमने पिछले 102 दिन में पूरे प्रदेश को अपनी नीति और नियत का परिचय दिया है अपने नीति और नियत का परिचय दिया है। हमें आज कोई सफाई नहीं देनी, हमें कोई सफाई नहीं देनी, हमें कोई माफी नहीं मांगनी। माफी मांगनी है तो शिवराज सिंह को माफी मांगनी है, मोदी को माफी मांगनी है, पर ये माफी मांगने से तो बड़े दूर हैं। आज तो ऐसी बात करेंगे, ऐसी लंबी चौड़ी बात करेंगे, ऐसा झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, ध्यान मोड़ने की राजनीति। और ये नौजवानों को समझनी है बात, कैसे ये ध्यान मोड़ते, मुद्दा है हमारे नौजवानों के भविष्य का, मुद्दा है किसानों का, ये बात करने लग जाएंगे देश की सुरक्षा का, क्या मजाक है ये। आज कलाकारी की राजनीति आप पहचानिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो मुझे बल और शक्ति दी, मेरे जिले ने जो मुझे बल और शक्ति दी, आज अगर इस पद पर मैं पहुंचा हूं, यहां मैं पहुंचा हूं, अपने जिले के प्यार और विश्वास के दिए हुए बल और शक्ति से पहुंचा हूं। और अगर छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है, इस पहचान का श्रेय छिंदवाड़ा के लोगों को जाती है, छिंदवाड़ा के हर व्यक्ति की जाती है जिसने मुझे प्यार और विश्वास दिया। 540 सांसद होते हैं जो संसद में बैठते हैं, पर वो सब बैठते हैं, अंतर क्या है? वो बैठते हैं वोट लेके, मैं तो वोट ही केवल लेके नहीं बैठता, मैं प्यार और विश्वास लेके बैठता हूँ। यही बल और शक्ति, मुझे विश्वास है कि मेरे बेटे नकुलनाथ जी को आप देंगे जो आपने मुझे 40 साल दी है, जहां मैंने जो मेरे से बना मैंने किया। और इस दफे हमारा सौंसर और बोरगांव एक नया इतिहास बनाएगा, और सौंसर का झंडा, छिंदवाड़ा का झंडा सबसे ऊंचा देश की संसद में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।